हाथरस मामले में सियासत लगातार गर्माती जा रही है। विपक्षी दल यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हाथरस मामले पर आज कांग्रेस पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस की तरफ से हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए देश भर में राज्यों के जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह किया गया। ये धरना महात्मा गांधी और अम्बेडकर प्रतिमाओं के सामने भी किया गया। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा था कि प्रदेश कांग्रेस समितियां पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय की मांग को लेकर और उत्तर प्रदेश सरकार की क्रूर और मनमानी कार्रवाई के खिलाफ महात्मा गांधी और अम्बेडकर प्रतिमाओं पर मौन सत्याग्रह करेंगी। इसी के तहत आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं हाथरस मामले में सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने के लिए हाथरस पहुंचे। इस दौरान दीपक शर्मा नाम के एक शख्स ने उन पर स्याही फेंक दी। घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संजय सिंह पर स्याही फेंकने वाला शख्स राष्ट्रीय स्वाभिमान दल का संस्थापक बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कुछ अन्य पार्टी नेताओं के साथ हाथरस पहुंचे थे। उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और मुलाकात के बाद जब वो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे तभी दीपक शर्मा नाम के एक शख्स ने उन पर स्याही फेंक दी। मौके पर मौजूद लोगों ने दीपक शर्मा को पकड़ लिया और इसके बाद आप कार्यकर्ताओं ने उससे हाथापाई करने की कोशिश की। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया तो कार्यकर्ता पुलिस से भी भिड़ गए। पूरे मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि संजय जी यूपी सरकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप निडर होकर बोलते रहे हैं। उन्होंने आप पर 14 FIR की हैं, दफ्तर सील किया पर आपको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर पाए तो आज हमला करवा दिया। ये यूपी सरकार में बैठे लोगों की पराजय और बदहवासी को दिखाता है। इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि हाथरस मामले में सोमवार को दिल्ली महिला आयोग की टीम भी पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने के लिए हाथरस पहुंची है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में अलग अलग जगह पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये खबर आपको कैसी लगी और इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी